教我们。पिछले एक साल से जो चीज चल रही कभी पता नहीं चली थी, साहब के इंक्वायरी ऑफिसर के बोले वाहे साहब के ही बोलने से जो है ये भी आवाम को पता चला, क्योंकि आपसे पहले तीन इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज कर दिया गया। ये आप बताइए, मेरे बजाय आप खुद पता चलिए, आप मेरे से तो आप मत सीखना है। और कोई भी मेरी बात का आप पूरा मत मानिए, मुकद्दस पेशा है, जैसे आप एक मुकद्दस पेशे में खिदमत कर रहे हैं, उनकी इजाजत लेके ही मामला पड़ रहा हूँ उनकी बिना इजाजत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हम लोग जनाब इब्राहिम साहब की तरफ से, मैं एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद, तेलंगाना अंजुमन तेलंगाना खजात के सदर खाजी साहब खादर अली साहब और उनकी टीम के ख़िलाफ़ हम लोगों ने इंक्वायरी कमीशन में दरख्वास्तें दी हैं तहकीकात के लिए, जिसका जवाब वो पिछले एक साल में ना दे पाए और आज जो है ना उन्होंने एक कुछ दरख्वास्त दाखिल की है वो जवाब की तफसीलात देने के लिए। लेकिन जिन उमूर पर हमने उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमीशन में दरख्वास्तें दी हैं उनमें चंद संगीन इल्ज़ाम हैं जिसकी वजह से मुस्लिम माशरा बदनाम हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक उनके फादर की इज्जत है, हिंदू कम्युनिटी में जहाँ पर शादी ब्याह होते हैं तो उनके पुजारी जी की जो अहमियत है, रेस्पेक्ट है जो सोसाइटी में दी जाती है, उसी तरह से मुसलमानों में भी शादी जैसे मुकद्दस फरीजे को तकमील पाने के लिए खाजी बरादरी की बहुत अहमियत होती है और जब वो काम करते हैं उस काम की वजह से उनकी इज्जत होती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से हिंदुस्तान के माहौल में ये बात ज़्यादातर देखने में आई है कि चंद ऐसे खाजी हजरात जो एक एक लड़की की शादी दो दो लोगों से कर देते हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने यहाँ पर यह दी थी कि एक लड़की की शादी इमारात के यूएई के भी नेशनल से करा दी गई और ओमान के भी नेशनल से करा दी गई, जबकि उसका कोई तलाक ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर जो है ना 2014 में शादी हुई है और 2013 में उसका तलाक हो गया, और ऐसी कई बदगुनवानियों के अलावा बड़ी और संगीन जो ट्रिपल तलाक के मसले के बीच में एक जो बड़ी एक संगीन और संजीदा बात है जो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बता रहा और उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रहा, वो ये है कि किसी भी लड़की का अगर तलाक हो जाए तो उसको इद्दत और नाव नफ़े का जो पैसा मिलता है वो उसकी ज़िंदगी के गुजर बसर या दूसरी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे कई खाजी हजरात जिनमें हमने खादर अली साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया कि आपके पास 200 साल का रिकॉर्ड होने के बावजूद आप ये बताने में नाकाम रहे कि आपके पास कितनी लड़कियों के तलाक के बाद इद्दत और नाव नफ़े का पैसा है और कितनों को आपने दिया है और कितनों का पैसा आपने रखा हुआ है और क्या वो पैसे के लिए आपने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है और ऐसी कितनी बेवा औरतें हैं या कितनी तलाकशुदा औरतें हैं जिनका पैसा आपके पास है वो रिकॉर्ड पेश करें, तो वो रिकॉर्ड अभी तक पेश करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन आज भी उनको इस बात का बहुत बड़ा एतराज़ था कि भाई जो इंक्वायरी कमीशन में इंक्वायरी चल रही उस बात को यहीं पर रखा जाए, आवाम के सामने और मीडिया के सामने ना लाया जाए। इस बात पर हम लोगों ने भी शदीद एतराज़ किया, क्योंकि देखिए जमहूरियत का चौथा सतून है सहाफ़त जर्नलिज़म, और सहाफ़ियों के जरिए ही अवामुन्नास तक हकायक पहुँचती हैं। सहाफ़ी वो जो ऐसे कई सहाफ़ी होते हैं जिनको जान की धमकी दी जाती है और जिन्हें मारा जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी जब वो आवाम के सामने सच्चाई रखते हैं तो तभी आवाम उस चीज़ को देखती है, अच्छी चीज़ है तो उसकी हिम्मत अफजाई करती है, गलत है तो उसका बायकॉट करती है, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालती है। तो हमारी भी वक्फ बोर्ड से इंक्वायरी कमिश्नर वाहिद साहब जो बेहतरीन इस मामले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वो पूरी बारीक बिनी से इस बात का जायज़ा ले रहे हैं, ये चौथे इंक्वायरी ऑफिसर हैं और हमें उम्मीद है कि जनाब खादर अली साहब जो सदर खाजी अंजुमन तेलंगाना भी हैं और शालीबंडा खाजी भी हैं जिन पर हम लोग संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, हम ये भी अवामुल्नास को बताना चाह रहे हैं कि खाजी साहब के खादर अली साहब के कुछ ऐसे मामले हैं और ऐसे ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से वो इनको भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है कि ये इंक्वायरी ऑफिसर के मौजूदगी में ही अगर अल्लाह ने चाहा तो इसकी शफाफियत के साथ इसकी तहकीक हो और पेशे खजात में बदमाश और बेमान किस्म के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जहां पर इन्हीं की सोसाइटी के एक खाजी साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको इनके निजामे कुजात में जो है ना इनके इनकी तहकीकात के लिए उनके रखा गया है। किस तरह से एक कमेटी का सदर और उसी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी एक दूसरे की तहकीकात करेगा, वहाँ पर इंसाफ के तकाजों को कमी इंसाफ के तकाजों में कमी होने की उम्मीद है। एक उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस दी है जिसमें कुछ डिटेल्स उन्होंने दी है, वो पढ़ने के बाद हम जो है ना फिर से उसका जवाब देंगे और हम चाह रहे थे कि उसका आर्ग्यूमेंट हो, तो उन्होंने बोला कि आर्ग्यूमेंट के लिए आप कोई एक तारीख मुकर्रर कर लें,
हम चाह रहे थे कि इस बात की पूरी बहस हो बराबर आज, लेकिन फिर एक मरतबा जो है वही बात हुई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। साहब चार साल से ये कार्रवाई चल रही है और पिछले एक साल से मुसलसिल ये केस चल रहा है, छह पेशियों में सिर्फ ये दो मरतबा है, लेकिन अपनी जानिब से रिपोर्ट अभी तक नहीं डाल पाए। कितने क्लाइंटों का केस लड़ रहे हैं इस मामले में? जितने भी मुतासरा औरतें हैं और जो लोगों की जो है ना बिना इतला के उनकी बीवियों के तलाक करा दिए, खुला करा दिए, वो सभी लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं इब्राहिम शरीफ साहब का भी काउंसल हूँ जी। जी हाँ, क्लाइंट भी आते हैं, क्लाइंट भी आते हैं, क्योंकि मुतासरा लोग भी अगर आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आ जाए थे आपके क्लाइंट? जी हाँ, वो मेरे साथ।